भारतीय जनता पार्टी के प्रचार तंत्र को इस बात से संतुष्टि नहीं थी कि विपक्ष और विपक्ष की सरकारों को एजेंसीज और गोदी मीडिया के सहारे निशाने पर लिया जा रहा था। अब अगले एक साल में दोस्तों किस तरह से झूठ को हथियार के तौर पर इस्तेमाल किया जाएगा विपक्ष की सरकारों को बदनाम करने के लिए, विपक्षी नेताओं को बदनाम करने के लिए झूठे झूठे वीडियोस पेश किए जाएंगे और इसमें मीडिया का एक अहम किरदार होने वाला है। वो मीडिया जो नहीं चाहता कि पापा से किसी तरह का कोई सवाल किया जाए। जब विपक्ष के नेता पापा से सवाल करते हैं तो पापा की परियां किस कदर बौखला जाती हैं, उसकी एक छोटी सी मिसाल मैं आपको दिखलाना चाहता हूं दोस्तों। मुलायजा फरमाइए। मेरा प्रधानमंत्री वो है जिसे देखकर कहते हैं ईस्ट बॉस। मेरा प्रधानमंत्री वो है जिसको रशिया का राष्ट्राध्यक्ष भी फोन करता है और ज़ेलेंस्की भी फोन करता है। मेरा प्रधानमंत्री वो है जिसको पूरी दुनिया झुककर सलाम करती है। सुनिए सर, आप कायरता का जिक्र कीजिएगा मत। बिल्कुल नहीं है। मणिपुर की सिचुएशन को कंट्रोल करना कायरता नहीं है। आपका इस पूरे मसले पर पॉलिटिक्स करना कायरता है। आपका वोटों की राजनीति करना कायरता है। आप जानते हैं इस वीडियो की क्या खास बात है? इस वीडियो की खास बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी के जो प्रवक्ता हैं वो चुपचाप बैठे हुए हैं। वो कह रहे हैं कि मुझे मेहनत करने की क्या जरूरत है, पापा की जो परी है वो पूरी मेहनत कर रही है। वो ये कह रही है कि प्रधानमंत्री से सवाल नहीं किया जा सकता, प्रधानमंत्री तो महान है, संत है। पूरा भाव दोस्तों यही दिखाई देता है और ये भाव सिर्फ इस चैनल तक सीमित नहीं है, ये भाव हर तरफ दिखाई देता है। और इसी से हौसला लेकर भारतीय जनता पार्टी का प्रचार तंत्र बार बार झूठ बोलता है। आज मैं आपके सामने एक नहीं तीन मिसालें, वो भी पिछले तीन दिनों की, आपके सामने पेश करने वाला हूं दोस्तों। दोस्तों सबसे पहले आपके सामने मिसाल आने वाली है बिहार की। बिहार की बारसोई नाम की एक जगह में यह अफवाह फैलाई गई तमाम मीडिया के जरिए कि पुलिस की गोलीबारी में वहां एक व्यक्ति की मौत हो गई। एक वीडियो भी वायरल किया गया जिसमें दो लोग जो हैं वो खून से लथपथ जो हैं जमीन पर पड़े हुए हैं। और फिर पूरा मीडिया, तमाम पापा की परियां जो हैं वो सामने आईं और कहा कि देखो बिहार में क्या हो रहा है, बिहार की पुलिस क्या कर रही है, नौकरी मांगो तो बिहार की पुलिस ये करती है, फलाना ढिमकाना। हुआ क्या दोस्तों, अब एक नया सीसीटीवी सामने आया है। बिहार पुलिस ने यह सीसीटीवी पेश किया है जो आप इस वक्त अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं। इस सीसीटीवी में आप देख सकते हैं एक व्यक्ति जो है वो भीड़ की तरफ जा रहा है और अचानक गोलीबारी करता है, गोलियां चलाना शुरू कर देता है और उन दो लोगों पर गोली चलाता है जिनमें से एक की मौत हो जाती है और फिर आप देख सकते हैं अफरा तफरी मच जाती है। अब बिहार पुलिस ने यह वीडियो फुटेज पेश किया है जिसके जरिए वो ये बतलाने की कोशिश कर रहे हैं कि गोलीबारी पुलिस ने नहीं की थी, इस एक रहस्यमय व्यक्ति ने की थी जिसमें वो दो लोग मारे गए। मगर बड़ा सवाल, ये झूठ क्यों फैलाया गया? इस बात का इंतजार क्यों नहीं किया गया कि अभी पुलिस की रिपोर्ट को आने दो और फिर हम नतीजों तक पहुंच सकते थे। अब यह वीडियो सामने उभर कर आ गया है और कोई अपनी भूल सुधार नहीं कर रहा। मैं आपको बतलाना चाहता हूं, पापा की एक और परी है, क्योंकि आज पापा की परियों का दिन है। बिहार में जब यह घटना होती है तो वो ये ट्वीट करते हैं, आपके स्क्रीन पर देखिए साहब। मुझे नहीं लगता है कि उस सीसीटीवी फुटेज आने के बाद उन्होंने भूल सुधार किए, बिल्कुल नहीं किए दोस्तों, मगर यह ट्वीट उन्होंने जरूरी किया था। सुनिए बिहार पुलिस क्या कह रही है। यहाँ पर दो लोग जो थे, जहाँ पर सोनू शाह और नियाज, दो लोग जो यहाँ पर उनका वीडियो वगैरह आप लोग कभी देखे होंगे, यहाँ पर गिरे हुए थे, तो वो जो है हमारे कैमरा में है। तो फिर जो जब हम लोगों ने बिजली कार्यालय का डिस्टेंस और इसका डिस्टेंस जो है हम लोगों ने देखा, तो ये संभव ही नहीं लगा कि ये वहां से कोई फायरिंग करके यहाँ पर उसको गोली लग सकती है। तो ये हमारे दिमाग में जो है हम लोग के मन में आया कि ये तो हो ही नहीं सकता है। फिर हम लोगों ने जो वीडियो फुटेज हम लोग देख रहे थे उसको देखा, फिर सीसीटीवी कैमरा को देखा, तो अभी जो है वो दिख रहा है और मैं आप लोग को वीडियो भी जो है ये शेयर हो जाएगा। किसने को जो गोली लगा उसके क्या वो लग रहा है, जो जो आप लोग का जो वीडियो है, जो कल वीडियो जो है काफी प्रमुखता से कुछ इलेक्ट्रॉनिक चैनल वगैरह में दिखाया गया है, उस वीडियो में आप देखेंगे कि वो वीडियो जो है पूरा का पूरा फेक है।
उसमें खुद ही बोल रहा है अरे मार दिया वो मर गया, फिर बोलता है अरे कहां मरा, ऐसे बोलना होता है। हाँ तो बोलता है ऐसा बोलना होता है। डॉक्टर वीडियो को दिख रहा है कि वीडियो डॉक्टर किया गया है, डॉक्टर वीडियो है। और मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं, एक बहुत बाउंड्री के साथ साथ एक बहुत ऊंची ट्री लाइन है। आप देखिए पुलिस के द्वारा जो कार्रवाई की गई थी, जो हवाई फायरिंग और बाकी कार्रवाई की गई थी, वो विद्युत कार्यालय के परिसर में की गई थी, परंतु जो मृत्यु की घटना है वो उससे काफी दूर और बीच में काफी ऊंची ट्री लाइन है। तो हवाई फायरिंग या किसी भी तरह से ये संभव नहीं है कि पुलिस की गोली से ये घटना हुई हो। और एक और बात, जो व्यक्ति आ रहा है जो सीसीटीवी फुटेज में, वो उसी तरफ से आ रहा है जहां पर की पहली मृत्यु हुई। ये जो वीडियो जो कल चला इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से, मैं आप सभी लोग से रिक्वेस्ट करता हूं कि कृपया बिना जांच किए उसे ना चलाएं। इसका अर्थ क्या हुआ दोस्तों कि बिहार सरकार को लगातार बदनाम करो, और जब से भारतीय जनता पार्टी जो है वो बिहार सरकार से बाहर हुई है, गौर कीजिएगा क्या हो रहा है। सबसे पहले रामनवमी के दौरान अफवाहें फैलाई गई, वहां दंगे जैसे हालात हो गए, यानी कि बीजेपी जैसे ही सत्ता से बाहर हुई दंगे शुरू हो गए। फिर बिहारी मजदूरों को लेकर एक झूठ बोला गया कि बिहारी मजदूरों का कत्लेआम तमिलनाडु में किया गया, और इस झूठ को किसी और ने नहीं बीजेपी ने भी फैलाया, इनके एक पसंदीदा यूट्यूबर ने फैलाया, वो एनएसए के अंतर्गत जेल में बंद है। यानी कि एक अरसे से लगातार बिहार पर निशाना साधा जा रहा है, या तो वहां पर सांप्रदायिक तनाव पैदा करने की कोशिश की जा रही है, या फिर मजदूर अस्मिता के नाम पर अराजकता पैदा करने की कोशिश की जा रही है, या फिर यह ताजा मिसाल जिसमें पुलिस के बारे में एक झूठा बयान दिया गया। मैं फिर आपसे सवाल पूछता हूं, अगर पुलिस कुछ गलत कर रही है तो हमें बिहार सरकार को कटघरे में रखना चाहिए, लगातार रखना चाहिए। तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार को उनके किए गए वादों की लगातार याद दिलानी चाहिए। मगर अगर एक टूल किट के जरिए बदनामी की जा रही है तो सवाल किया जाएगा, और यही मुद्दा आज अपने कार्यक्रम में उठा रहा हूं दोस्तों। बिहार की मैंने आपको चंद महीनों में तीन मिसालें दी हैं, और यह ना भूलें इसी मंच पर मैंने आपको बताया था कि 15 सितंबर तक संजय मिश्रा को जो अब एक्सटेंशन मिल गई है, अगले 45 दिनों में बिहार के बड़े बड़े नेताओं पर ईडी कार्रवाई करने वाली है। हमें अगले 45 दिनों पर निगाह रखनी पड़ेगी, यानी कि एक साल से कम का वक्त रह गया चुनावों में। झूठ के जरिए, गोदी मीडिया के जरिए, झूठे प्रचार के जरिए और एजेंसीज के जरिए किस तरह से विपक्ष पर निशाना साधा जाता है, 45 दिनों का इंतजार कर लेते हैं। तो यह बात तो थी बिहार की, अब आप वही देखेंगे कर्नाटक में हो रहा है। दोस्तों कर्नाटक की उडुपी के एक स्कूल के बारे में एक अफवाह फैलाई गई, और वो अफवाह क्या थी कि तीन मुस्लिम लड़कियों ने एक टॉयलेट में कैमरा रखा, और उन्होंने उस फुटेज को जो उन्होंने टॉयलेट के अंदर रखा था और अपने कैमरे से लड़कियों को रिकॉर्ड किया और उसे बाहर लीक कर दिया। भाजपा से जुड़े प्रचार तंत्र ने यहां तक कि एक वीडियो वायरल किया, वो वीडियो पूरी तरह से झूठा था, उसका उडुपी के उस स्कूल से कोई लेना देना नहीं था, मगर एक झूठा वीडियो वायरल किया गया। अब मैं आपको सुनाना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी नेता और नेशनल कमीशन ऑफ वुमेन की खुशबू जब उडुपी पहुंची तो उन्होंने खुद क्या कहा। दोस्तों ध्यान से सुनिए एक एक शब्द वो क्या कह रही हैं, मैं बाद में उसका अनुवाद करूंगा, सुनिए। गेट एनीथिंग फ्रॉम मियाना घर, यू हैव टू वेट टिल वी कम विद आवर स्टेटमेंट्स। No, there is not. Absolutely not. That is why I said, if there are rumors of hidden cameras in the toilets, please understand there's nil, nothing to it. It's zilch. There's a rumor which is going around, and there are false videos which have been going around that there are hidden cameras. It's an institution, and there cannot be any hidden cameras. So please do not follow these kind of stories. And it's very, very upsetting to see that even media is asking me such questions. You should be the first ones to say that these things do not happen. Because we all come from educational institutions, and we know that we have never faced, young girls like you have never faced it, right? So we need to understand, we have to behave. यहां पर खुद भाजपा की नेता कह रही हैं कि उडुपी के बारे में जो भी बातें की गई थी वो सब झूठी थी। वो मीडिया को ताना दे रही हैं कि मीडिया का काम अफवाह फैलाना नहीं है, आपको हकीकत लाना चाहिए था। कहने का अर्थ क्या हुआ दोस्तों, खुद भाजपा की नेता भाजपा की पोल खोल रही हैं, क्योंकि वो उडुपी गई, शायद उनके अंदर अभी भी रीढ़ थी, अंतरात्मा नाम की चीज थी,
उन्होंने हकीकत को देश के सामने पेश किया। हुआ क्या था मैं आपको बताता हूं। तीन लड़कियां, उन्होंने अपने एक और लड़की के साथ प्रैंक करने के लिए टॉयलेट में फोन रखा, उनकी रिकॉर्डिंग करने के लिए, प्रैंक करने के लिए। गलत था, नहीं करना चाहिए था। मगर हुआ क्या, उनकी उस सहेली ने नहीं, किसी और लड़की ने उस फोन को देख लिया। वो उन तीन लड़कियों को डांटने लगी कि तुम क्या कर रही थी। उन्होंने माफी मांगी, जो भी कुछ रिकॉर्ड हुआ था उसे डिलीट कर दिया, मामला खत्म। मगर फिर वो लड़की अपने घर जाती है और अपने माता पिता को बताती है। माता पिता स्कूल आते हैं, उन तीन लड़कियों की शिकायत की जाती है, तीनों लड़कियों को निलंबित भी कर दिया जाता है। मगर कोई वीडियो वायरल नहीं होता है, कोई वीडियो वायरल नहीं होता है। जो वीडियो भाजपा का प्रचार तंत्र वायरल कर रहा था उसका उडुपी के उस स्कूल से कोई लेना देना नहीं है। बड़ी बात, उडुपी के स्कूल की लड़कियों का कोई वीडियो वायरल नहीं हुआ था। मगर चूंकि वो तीन मुस्लिम लड़कियां थीं, इसीलिए यहां पर हिंदू अस्मिता वाली बात जो है वो भड़का दी गई। याद कीजिए दोस्तों, कर्नाटक के चुनाव में माननीय गृह मंत्री अमित शाह ने क्या कहा था। अमित शाह ने कहा था कि अगर कांग्रेस सत्ता में आ गई तो राज्य में दंगे होंगे। मैंने अभी आपको मिसाल दी है, और कर्नाटक की सिर्फ ये मिसाल नहीं है, छोटी छोटी खबरों में इसी तरह से भाजपा का प्रचार तंत्र झूठ फैला रहा है। आखिर क्यों, लगातार क्यों, दंगे कौन भड़काने की कोशिश कर रहा है। मैंने आपको बिहार की मिसाल दी, कर्नाटक की मिसाल दे रहा हूं, दंगे कौन भड़काने की कोशिश कर रहा है। आप मुद्दे को समझिए, क्योंकि बिहार और कर्नाटक में भारतीय जनता पार्टी को अपनी हालत खराब दिख रही है, इसलिए उनकी कोशिश लगातार है कि माहौल को भड़काया जाए, माहौल में बंटवारा पैदा किया जाए और लोगों में सरकार के प्रति, विपक्ष के प्रति नफरत और गुस्सा पैदा किया जाए। और आप लगातार उसी तरह से दंगे भड़काते रहें। महाराष्ट्र एक और मिसाल है। महाराष्ट्र में जब तक उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री थे हालात सामान्य थे, मगर फिर जैसे ही वो सत्ता से बाहर कर दिए जाते हैं एजेंसीज के जरिए, भाजपा नेता टी राजा सिंह माहौल में घुसता है और महाराष्ट्र की गली गली घूमकर जहर उगलता रहता है। महाराष्ट्र में भी काम हो रहा है। महाराष्ट्र में भी कुछ दिनों पहले धारा 144 लग गई थी औरंगजेब के मुद्दे पर। हालांकि वो भी महामूर्ख हैं जो औरंगजेब को अपना आदर्श मानते हैं। औरंगजेब एक अत्याचारी था, ये बात गांठ बांध कर रख लो। औरंगजेब किसी का हीरो नहीं हो सकता है। मगर जो मैं आपको बतलाने का प्रयास कर रहा हूं कि महाराष्ट्र के अंदर ही दंगा भड़काने की कोशिश की जा रही है। जिन लोगों ने औरंगजेब को अपना हीरो मनाया वो मुट्ठी, चंद मुट्ठी भर होंगे, मगर उसके जरिए पूरे राज्य में आग भड़काने की कोशिश, ये क्या बतला रहा है? लगातार बतला रहा है कि माहौल को भड़काओ, धमकाओ और वोटों की खेती करो। झूठ की एक और मिसाल, और ये तीसरी नहीं है क्योंकि आपको मैं कई मिसालें दे चुका हूं। याद कीजिए मीडिया की मदद से क्या कहा गया था कि जब बिहार पुलिस ने जमकर सुताई की थी भाजपा नेताओं की, तब बाकायदा न्यूज चैनल्स ने झूठी खबर चलाई थी। ये कहा था कि उस भाजपा के पूरे शरीर पर खून के थक्के थे। मीडिया ने बाकायदा अपने एडिटर्स को बुलाया और इस एडिटर ने भी कहा कि इसके शरीर पर खून था और मैंने उसको ब्लर कर दिया। सरासर झूठ। पापा की परी तब भी चिल्ला रही थी, बाद में पता चला वो झूठा वीडियो था। अब देखिए बिहार सरकार की संतई देखिए, कायदे से इस मुद्दे पर FIR दर्ज होना चाहिए था कि जब हमसे कोई गलती होती है तब पुलिस हमारे पीछे लगा दी जाती है और हम अपनी गलती की तुरंत माफी मांगते हैं। और मैं दावे के साथ कह सकता हूं मुझसे भी अगर कोई भूल हुई होगी, इतनी बड़ी भूल नहीं थी जिसके जरिए समाज में दंगे भड़क जाएं। मगर न्यूज 18 का यह पत्रकार जिसने झूठ बोला था बुलडोजर को लेकर कि भाई अलवर में जो बुलडोजर चलाया गया वो दरअसल बदला था जहांगीरपुरी के बुलडोजर का, इसके खिलाफ केस दर्ज हुआ। टाइम्स नाउ नव भारत ने भी झूठी खबर चलाई कि जब अलवर में बुलडोजर चला तो मुसलमान का घर बच गया, हिंदू के घर पर बुलडोजर चल गया। लगातार ये लोग झूठ बोलते हैं और बार बार ये झूठ बोलते हैं। तो इसी तरह से बिहार में वो झूठ बोला गया कि उनके शरीर पर खून थे और पुलिस की लाठी से उनकी मौत हो गई। पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आ गई दोस्तों।
पोस्टमार्टम रिपोर्ट में साफ तौर पर लिखा गया है कि उनकी मौत हृदय गति रुकने से हुई, हार्ट अटैक होने से हुई। ये क्या बतला रहा है कि बार बार आप इसी तरह से झूठ बोलते रहिए, लगातार बोलते रहिए और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस मंत्र का अनुसरण कीजिए। सुनिए, झूठ बोलो, बार बार झूठ बोलो, जो भी बोल सकते हैं सब झूठ बोलो। न जाने कितनी बार मैं आपको प्रधानमंत्री का यह बयान सुना चुका हूं ना, मगर क्या करें, प्रधानमंत्री ने बेशक ये बयान तंस कसा था विपक्ष पर, मगर अगर कोई इसका अनुसरण कर रहा है तो उनकी अपनी पार्टी, उनका अपना प्रचार तंत्र। आप जानते हैं ये लोग, खासकर भाजपा के नेता, बगैर सोचे समझे जो वीडियो वायरल कर देते हैं, पहली बात झूठा वीडियो, दूसरा कई वीडियोस को वायरल करके जिंदगियां बर्बाद कर देते हैं। मैं आपको एक और मिसाल देता हूं, ध्यान से सुनिएगा मैं आपको क्या कहने वाला हूं, क्योंकि यह बहुत ही ट्रैजिक कहानी है। दोस्तों आपको याद होगा जब मणिपुर की खबर सामने उभर कर आई थी, तब बीजेपी ने राजस्थान के एक और वीडियो को फिर से वायरल कर दिया था, जिसमें 2019 की एक घटना थी, एक लड़की के साथ दुष्कर्म किया गया था कैमरे पर। और उस मामले में क्या हुआ था मैं आपको बताता हूं। उस मामले में हुआ यह था कि अदालत ने तुरंत कार्रवाई की और जिन जिन लोगों ने दुष्कर्म किया था उन्हें जेल की सजा हुई, और अशोक गहलोत सरकार ने जो पीड़ित लड़की थी उसे सरकारी नौकरी दे दी। मगर मणिपुर के जवाब में जैसे ही भाजपा के प्रचार तंत्र ने उस वीडियो को वायरल किया, बगैर उस लड़की की पहचान छुपाए, या फिर पहचान छुपा भी दी हो तो आप जानते हैं कि उस लड़की के आसपास जो लोग हैं वो लोग सब पहचान गए होंगे। वो लड़की जिसकी जिंदगी 2019 के बाद सामान्य होने लगी थी क्योंकि वो सरकारी नौकरी कर रही थी, एक बार फिर भाजपा के प्रचार तंत्र ने उस वीडियो को वायरल कर दिया। नतीजा ये हुआ है दोस्तों, वो लड़की एक बार फिर उन नाइटमेयर से गुजर रही है, उन बुरे ख्वाबों से गुजर रही है, क्योंकि भाजपा के प्रचार तंत्र ने उसके साथ जो वो अन्याय हुआ था उस वीडियो को फिर से वायरल कर दिया। ये भी नहीं सोचा कि तुम मणिपुर के लिए, अपनी इज्जत बचाने के लिए वो वीडियो तो वायरल कर रहे हो, मगर तुम फिर से किसी की जिंदगी बर्बाद कर सकते हो। वो वीडियो फिर से वायरल हो रहा है, उस लड़की से वो लोग फिर से सवालात कर रहे हैं जिनको उस वीडियो के बारे में नहीं पता था, उस घटना के बारे में नहीं पता था। शर्म आती है तुमको? अपनी सियासत के लिए इस तरह से जिंदगियां बर्बाद करोगे? ये सवाल है, इनके जवाब दीजिए। क्यों आपने उस वीडियो को वायरल किया था जबकि उस पर अदालत ने कार्रवाई की, सरकार ने उस लड़की के प्रति जो है सहानुभूति दिखाकर उसे सरकारी नौकरी दी, फिर भी तुमने ऐसा क्यों किया? जबकि मणिपुर में तो प्रधानमंत्री जाते ही नहीं है, सीकर जाते हैं, महाराष्ट्र जाने वाले हैं, मगर साहब मजाले वो मणिपुर पहुंच जाए। मणिपुर के मुख्यमंत्री पर आप कोई कार्रवाई नहीं करते हैं, तो सवाल तो किए जाएंगे ना बीजेपी से। जिन घटनाओं में सरकार पीड़ित के खिलाफ होगी, जिन घटनाओं में सरकार अपनी जिम्मेदारी से बचेगी, जिन घटनाओं में सरकार सच की आवाज को दबाने की कोशिश करेगी, अभिसार शर्मा उन घटनाओं में पीड़ित के साथ खड़ा होगा। अगर सरकार अपनी कार्रवाई करेगी तो मैं उस मुद्दे पर नहीं बोलने वाला, मगर हां अगर सरकार विपक्ष को दबाएगी, पत्रकारों को दबाएगी, पीड़ित का नुकसान करेगी जैसा तुमने हाथरस में किया था, तब मैं अपनी आवाज बुलंद करूंगा। इस फर्क को समझिए। एंड फॉर गॉड सेक मणिपुर की तुलना राजस्थान छत्तीसगढ़ से करना बंद कीजिए। आपको शर्म बिल्कुल भी नहीं आती? अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार। स्वतंत्र और आजाद पत्रकारिता का समर्थन कीजिए, सच में मेरा साथी बनिए। बहुत आसान है दोस्तों, इस ज्वाइन बटन को दबाइए और आपके सामने आएंगे ये तीन विकल्प, इनमें से एक चुनिए और सच के इस सफर में मेरा साथी बनिए।